टेक्नोलॉजी जगत में काफी हलचल है। वीवो ने जहां अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया, तो वही CMFY Nothing ने अपकमिंग स्मार्टफोन की अनाउंसमेंट की। इसके अलावा एक्स, जूम और व्हाट्सएप भी चर्चा में रहे। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया, आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। चलिए देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े 10 बड़े अपडेट। वीवो ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया एक्स फोल्ड 3 प्रो फोल्डेबल स्मार्टफोन। कंपनी का दावा है ये इंडिया का सबसे पतला और हल्का फोल्डेबल फोन है। इसमें AI नोट असिस्ट, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन, AI ट्रांसक्रिप्ट, AI जेस्टर जैसे फीचर्स हैं। इसके थिकनेस 11.2 mm और वजन 236 ग्राम है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस इस फोन में 5700 mAh बैटरी है। एक्स ने प्लेटफॉर्म पर एडल्ट और वॉलेट कंटेंट को पोस्ट करने को लेकर नए नियमों की जानकारी दी है। कंपनी ने पोस्ट कर कहा कि नई पॉलिसी पुरानी सेंसिटिव मीडिया और वॉयलेंट स्पीच पॉलिसी की जगह लाई गई है। एडल्ट कंटेंट के साथ सेक्सुअल और एडल्ट न्यूडिटी से जुड़े कंटेंट को कवर किया जाएगा। वहीं वॉलेट कंटेंट के साथ वॉलेट स्पीच मीडिया के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इस तरह के कंटेंट को लेबल के साथ शेयर किया जा सकेगा। OnePlus ने लॉन्च किया OnePlus 12 का नया वेरिएंट। ग्लेशियल व्हाइट में 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसकी कीमत 64,999 रुपए है। ये स्मार्टफोन प्रो XDR डिस्प्ले, 4500 nits ब्राइटनेस, पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर से लेस है। Nothing के सब ब्रांड CMF ने अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने कंफर्म कर बताया, जल्द ही वो CMF फोन 1 भारत में लॉन्च करेगा। फिलहाल इसकी लॉन्च डेट रिवील नहीं हुई है। कंपनी का दावा है कि इसे यूनिक डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। CMF ने CMF फोन 1 की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। इसी के साथ CEO कार्ल पे ने कंफर्म किया कि वो Nothing फोन 3 को साल 2025 में लॉन्च करेंगे। Zoom पर अब आपका AI अवतार करेगा मीटिंग। कंपनी के CEO एरिक युआन ने बताया, अगर आपकी शिफ्ट ओवर हो गई है तो आप अपनी जगह AI अवतार को मीटिंग अटेंड करने को बोल सकते हैं। इन अवतार को पहले यूजर की मीटिंग एजेंडा और पहले के कंटेंट को लेकर ट्रेन किया जाएगा। CEO ने आगे कहा कि आने वाले समय में AI अवतार मीटिंग में इंसानों की जगह ले लेंगे। साथ ही 5 से 6 साल में 90% काम AI के जरिए ही होंगे। ओप्पो ने अनाउंस कर बताया कि वो 2024 के अंत तक अपने सभी फोन्स में AI लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने एक AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मीडियाटेक जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर अपने डिवाइस में AI फीचर्स को लाने की बात कही है। नए ही नहीं बल्कि पुराने फोन्स में भी जल्दी यूजर्स को AI फीचर्स मिल सकते हैं। एप्पल ने अनाउंस कर बताया, वो आईफोन 15 सीरीज में कम से कम 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देगी। नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को UK नियम के चलते स्पेसिफिक साल बताने को कहा गया है। इसका मतलब अब यूजर्स बिना किसी टेंशन के 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकेंगे। इससे आईफोन की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। Realme ने लॉन्च किया नार्जो N63 स्मार्टफोन। इसमें 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले, 128GB स्टोरेज, 50MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरा है। 5000mAh बैटरी और यूनिसॉक T612 प्रोसेसर से लैस इस फोन की कीमत है 8999 रुपए। इंस्टाग्राम लेकर आ रहा है थ्रेड्स और नोट्स के लिए नए अपडेट्स। नोट्स में यूजर्स को लाइक्स, मेंशंस, प्रॉम्प्ट जैसे सपोर्ट मिलेंगे। वहीं थ्रेड्स पर आया नया वेब एक्सपीरियंस। अब यूजर्स फेवरेट सर्च, अकाउंट, सेव पोस्ट और नोटिफिकेशन के कॉलम को सेपरेट कर सकेंगे। व्हाट्सएप जल्द ही बदलने जा रहा है इंटरफेस। जल्द स्टेटस और चैनल सेक्शन में नए बदलाव दिखेंगे। नए इंटरफेस में स्टेटस टॉप पर दिखेंगे, बॉटम में चैनल्स और सजेस्टेड चैनल्स लिस्ट। इसे नेविगेट करना काफी आसान हो जाएगा। नए इंटरफेस के आने से यूजर्स को चैनल्स और स्टेटस देखने के लिए अलग अलग सेक्शंस में नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए ये अवेलेबल है। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।